आज इस खबर के जरिए सीधे सवाल कटिहार के डीआरएम से, और सवाल ये कि सरकार साहब, रेलवे क्षेत्र में एक दुकान लगाने की हर महीने क्या कीमत है? और इस सवाल से ना तो डीआरएम भाग सकते हैं और ना ही इनके नुमाइंदे। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो हमें भी बता दीजिएगा, क्योंकि अगर किसी संस्था में भ्रष्टाचार की तस्वीरें मुंह फाड़ कर बाहर आ रही हो तो उस संस्था के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों पर सवाल उठना लाजमी है और सवाल पूछे जाएंगे। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि रेलवे में लग रही दुकानों से रेलवे के ही लोग पैसा वसूलते हैं। इस तस्वीर से कटिहार रेलवे की भ्रष्टाचार सामने आ रही है। पैसा लेता ये शख्स आरपीएफ का एक इंस्पेक्टर राजेंद्र पासवान है, जो कटिहार के गौशाला फाटक के पास एक चाय के दुकानदार से हर महीने तय रकम वसूलता कैमरे में कैद हो गया। सरकार भले ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कितने भी कड़े प्रावधान कर ले, लेकिन जिनके हाथ में सिस्टम को सही करने की जिम्मेदारी है, वही सरकार की मंशा पर पलीता लगाते नजर आते हैं। रेलवे क्षेत्र में ठेला, खोमचा, पान और चाय की दुकान चलाने वाले फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन रेलवे की जमीन पर दुकान चलाने वालों का आरपीएफ ने सौदा कर डाला है। प्रति दुकान 500 रुपए रेलवे पुलिस को देनी पड़ती है। सरकार साहब, ये आंकड़ा कम या ज्यादा हो तो हमें बता दीजिएगा, हम अपडेट कर देंगे, क्योंकि सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। रेलवे क्षेत्र में लगी दुकानों से पैसे वसूलने के लिए आरपीएफ खुद जाकर दुकानदारों से रुपया लेती है। यदि कोई दुकानदार रकम देने में आनाकानी करता है तो ना सिर्फ उसकी दुकान तुड़वा दी जाती है, बल्कि आरपीएफ के लोग उसे मनचाही धारा में गिरफ्तार कर जेल भी भिजवा देते हैं। दुकानदार के मुताबिक रेलवे क्षेत्र के खाली पड़ी जमीन पर दुकान लगाने के एवज में हर महीने 500 रुपए देने पड़ते हैं। रुपया नहीं देने पर दुकान हटवा देते हैं और मनचाही धारा लगाकर जेल भी भिजवा देते हैं। कितना महीना लेता हो? ये बड़ा हो 500 रुपए यानी दुकान लगाने का। हाँ, कौन सा नाम है उसका? राजेंद्र पासवान। राजेंद्र पासवान? राजेंद्र पासवान कहाँ ले पैसा देते हो? कमजोर आदमी के दवा का सब देते मिलेगा। ये क्या ऑफिसर हो चाहे नेता हो चाहे जो भी है, जो आम जैसे हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग को दब के रहना ही पड़ता है कमाने के लिए, दो पैसा लालच के लिए हम लोग को दब के रहना ही पड़ता है। हमारी कमजोरी का फायदा सभी को उठाएगा, गरीब का फायदा कमजोरी का फायदा सभी को उठाएगा, जो बड़े आदमी हैं। इसलिए लाचार हो जाना पड़ता है कि हमको पैसा दो कमाना है, चल भाई दे दो। कौन सी का? सिविल का है कि रेलवे का? रेलवे का। बड़ा बाबू रेलवे का? कौन थाना में? थाना का यहाँ बगल में जो थाना है कालीबाड़ी के ऊपर यहाँ थाना। हम लोग से अलग नहीं लेता ट्रेन में। आप लोग से भी लेता है ट्रेन में? रेल में मेहनत करिए पैसा लेता ही। आपका नाम कौन सी है? हमारा नाम विकास है। अरे बोलिए ना नाम क्या है? महेश यादव। कौन पासवान बोले? राजेंद्र पासवान। हम तो बारे बोलबो किए कितना आदमी बोल रहे हैं कि हम लोगों से ज़्यादा कमजोरी, हम लोग बहुत मजबूर आदमी हैं, हम लोग से ज़्यादा कमी बोला कीजिए कि कमी काम चला ली। पूरा माल खाता है ना? अच्छा, वैसे खाता है। सब दुकान से लेता होगा? सब दुकान से लेता होगा? हाँ, आपसे तो खाली ना लेकर लेता होगा, सबसे लेता होगा, सभी से ले रहा है। बहरहाल कटिहार रेलवे की भ्रष्टाचार की ये तस्वीर कोई नई नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार की बस टेलर भर है। पूरी की पूरी फिल्म और एक बड़ी फिल्म रेलवे के अंदर मौजूद है, बस उसे किसी ने शायद आज तक फिल्माया नहीं। रतन कुमार, टाइम्स न्यूज़, कटिहार।